बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नैतिक टीवी को, साथ ही इस बेल आइकन घंटी को करें ऑल पर सेलेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएं तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण था, जिसमें आपको बता दें कि बसपा सुप्रियो मायावती से लेकर तमाम नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन आपको बता दें कि मायावती नहीं गईं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा की दोबारा लौटी सरकार में भी बहुजन समाज पर खूब अन्याय अत्याचार हो रहा है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि हाल ही में जो जौनपुर से खबर निकलकर सामने आई थी कि पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया था, मारपीट भी की गई थी, इसको लेकर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भर के, जी हां मित्रों आपको बता दें कि उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जौनपुर यूपी में पुरुष पुलिस प्रशासन द्वारा दलित महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार व उनके कपड़े उतारकर पीटना अमानवीय कृत्य है। नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या आप दलितों का दमन करना ही आपका राम राज्य है? हमारी मांग है कि दोषी कर्मचारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी पर जमकर निशाना साधा। योगी सरकार में हो रहे बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।